पाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। डिलीवरी होने के बाद भी महिला को उतना ही ध्यान रखना पड़ता है जितना उसके पेट में पहले बच्चा होता है। डिलीवरी होने के बाद बहुत सारी महिलाएं क्या करती है कि अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देती या फिर अपने शरीर की तरफ पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ रहता है। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती है जो कि बिल्कुल उससे वो अनजान रहती है, यानी कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो अपने केयर कर पा रही है यानी कि पा रही, और उसके अलावा उसे उसके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ऐसे ही कुछ चेंजेस मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अगर वो पूरी तरह से अपना ध्यान ना रखे तो उसका मोटापा बढ़ जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है, पूरी तरह से बेढोल दिखने लगती है, कमर के यहाँ से हिस्सा थोड़ा सा बढ़ जाता है, किसी किसी औरतों के आप चेस्ट का हिस्सा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, महिलाओं के दूध नहीं बन पाता, सारी महिलाओं को कमर दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है या फिर किसी प्रकार का दर्द बना रहता है। इसी तरह से उसका मासिक धर्म जो होता है वो भी अनियमित हो जाता है, यानी कि कभी तो मासिक धर्म बिल्कुल टाइम पे आता है, कभी बिल्कुल इसका टाइम निकल जाता है या फिर कभी आता ही नहीं, जैसे कि 2 महीना तक निकल जाता है। ऐसे में बहुत सारे हार्मोन चेंज होते हैं, अपने सही डाइट ना लेने की वजह से, सही सो ना पाने की वजह से या फिर अपना पूरा ध्यान ना रखने के कारण उसे बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत है कि डिलीवरी हो गई है, आपको जैसे नींद नहीं आ रही, शरीर के अंदर दर्द रहता है, कान में किसी प्रकार की आवाज आती है या आपका मोटापा जो है वो बढ़ गया है, तो इस सब के लिए हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि अगर डिलीवरी के बाद 1.25 महीना भी अगर महिला पूरा ध्यान रखती है तो उसका शरीर बिल्कुल सही रहता है, वह बिल्कुल ऐसी महिला बन जाती है कि जैसे उसने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक करना ना भूले। के बाद 1.25 महीने तक आपको ऐसी कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल स्वस्थ लगे, आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल फिट है और आप किसी भी प्रकार से बीमार ना हो, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द ना रहे। महीने तक चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, महिला अगर चाहती है कि उसका पेट बिल्कुल भी ना निकले तो उसे गुनगुना पानी का ही सेवन करना चाहिए, बिल्कुल अंदर चला जाएगा धीरे धीरे, आपकी भूख खुलेगी, आपका खून सही रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको सर्दी नहीं होगी, खांसी नहीं होगी, जुखाम नहीं होगी, आपको बच्चे को भी इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि आपके बच्चे को भी सर्दी जुखाम नहीं होगा, यानी पीने से आपको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, आपकी बॉडी में डेटॉक्स जाता रहेगा, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो डेटॉक्स होती रहेगी, जितनी भी गंदगी उस समय पे हो जाती है जैसे कि 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, ऐसे में ब्लड्स हार्मोन्स बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बहुत सारा परिवर्तन लाती है। लेकिन अगर आप गर्म पानी का सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रक्त संबंधी किसी प्रकार का विकार नहीं रहेगा, आपका पेट जो है वो फूला हुआ नहीं रहेगा, आपके हिप्स के यहाँ पर जैसे कि बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ जाता है वो बिल्कुल नहीं। अगर गर्म पानी आप पीते रहेंगे तो आपके बच्चे को बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, यानी कि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं रहेगी, उसका खाना भी दूध भी अच्छे से पचेगा, उसको कब्ज की शिकायत नहीं होगी, उसका भी पेट बिल्कुल साफ रहेगा। तो आपके गर्म पानी पीने से आपको भी फायदा है और आपके बच्चे को, मोटापा ना बढ़े, आपका वजन ना बढ़े, आपका पेट जो है वो बिल्कुल बाहर दिखाई ना दे, आपके हिप्स के यहाँ पर चर्बी ना जमे, तो उसके लिए आपको गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अगर ज्यादा पूरा दिन अगर आप नहीं पी पाते हैं तो कम से कम आपको सुबह में और शाम को 2 समय तो गर्म पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। विशेष बात यह है कि डिलीवरी के बाद आपको 1.25 महीने तक दूध दलिया जरूर खाना है। अगर आप दूध दलिया खाएंगे तो इससे क्या क्या फायदा होगा, आपका जो दूध नहीं बनता है तो दूध बनने लगेगा, यानी कि आपको बच्चे को बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो वो बिल्कुल नहीं होगी, आपको पूरी तरह से प्रोटीन मिलेगा, आपको बालों संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सही ढंग से दूध पीता रहे, यानी कम से कम 6 महीने तक तो बच्चों को दूध जरूर पिलाना चाहिए, और सबसे ज्यादा शिकायत यही होती है कि दूध नहीं बनता, तो इसके लिए आपको 1.25 महीने तक दूध दलिया का सेवन करना चाहिए जिससे कि दूध भी अच्छा बनेगा, आपकी चेस्ट भी अच्छी बढ़ेगी, यानी कि आपका चेस्ट का जो शेप होता है वो बिगड़ जाता है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद यह भी बहुत ज्यादा महसूस होता है कि जैसे कि मासिक धर्म जो है वो अनियमित हो रहा है, कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है, ऐसे में आप क्या करें, 1.25 महीने तक अगर आप दूध के अंदर
एक चम्मच या फिर आधा छोटा चम्मच भी देसी घी डालकर पीते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। यानी कि आपको पेट के अंदर कितने भी चेंजेस आए हो, आपकी गर्भा के अंदर कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हुई हो, लेकिन अगर आप दूध में घी डालकर पीते हैं तो आपको रक्त संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। आपका मासिक धर्म सुचारू रूप से चलता है, आपका मासिक धर्म जो है वो बहुत ज्यादा भी नहीं होएगा और कम भी नहीं होएगा। तो इस तरह से करने से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी के बाद ये भी करें तो आप करने के बाद बहुत सारी महिलाओं के जैसे कि नीचे की तरफ में जो टाके लगते हैं वो कई टाइम तक दुखते रहते हैं या फिर उनमें दर्द इस तरह से बना रहता है जैसे कभी दर्द होएगा और कभी नहीं होएगा, या फिर आपको खिंचाव महसूस होता है, या फिर आपको उठने बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, या फिर आपको किसी प्रकार का वहां पर इन्फेक्शन लगता है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए बहुत ही साधारण सा उपाय है कि आप गर्म पानी करिए और उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए और उस पानी से उस जगह की सिकाई करिए। अगर आप ये करेंगे तो आपके वहां पर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपकी जो वर्जिना है वो बिल्कुल साफ रहेगी, वहां पर किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो टाके होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस प्रकार का सेक आप रोज नहीं कर पाते तो कम से कम सप्ताह के अंदर 2 दिन जरूर करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो टाके लगे हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, यानी कि आपको पता तक नहीं रहेगा कि यहाँ पर टाके लगेंगे, उनमें कभी दर्द नहीं होगा। बाद आपको तला गला कम खाना है, शक्कर और नमक का प्रयोग भी कम करना चाहिए क्योंकि इससे डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, हार्मोन चेंज हो सकते हैं और नमक ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिलीवरी होते ही कुछ समय के बाद खाने में इन्हें का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, यानी कि कुछ भी तला हुआ खा लेगी, मिर्च मसालों का प्रयोग ज्यादा कर लेगी। ऐसे में सबसे ज्यादा हड्डियों में ही प्रॉब्लम होती है और फिर धीरे धीरे रहकर कमर में दर्द होने लगता है या फिर आपके सिर में दर्द होने लगता है, इस तरह की समस्या बन जाती है। तो अगर आप 1.25 महीने तक इस प्रकार का ध्यान रखते हैं कि अपनी डाइट को जो बिल्कुल पौष्टिक रखते हैं तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। डिलीवरी के बाद 1.25 महीने तक आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे कि सीढ़ी जो है वो आपको जल्दी जल्दी नहीं चढ़नी है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो ज्यादा देर झुके नहीं, अगर आप किसी प्रकार का वर्क कर रहे हैं तो बार को एकदम से उठाए नहीं, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। कुछ समय तक जैसे कि 1.25 महीना अगर दाना मेथी का जो पाउडर होता है उसको अगर आप थोड़ा सा पाउडर बनाकर आधा चम्मच जितना भी आपको भाता है उतने का खा करके और गर्म पानी अगर आप पीते हैं एक टाइम दिन में तो आप देखेंगे कि आपका मोटापा जो है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, शरीर के अंदर आपकी जितनी भी चर्बी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अगर ये उपाय आप 1.25 महीने तक कंटिन्यू करते हैं तो आपकी डिलीवरी हुई भी है या नहीं हुई इसका पता तक नहीं लगता, यानी कि आप बहुत ही अच्छे से शेप में आ जाते हैं। भी ध्यान रखना है कि डिलीवरी के 1.25 महीने तक आपको किसी प्रकार की कोई पेन किलर का प्रयोग नहीं करना है। अगर आप दर्द निवारक गोलियों का सेवन करते हैं तो आपका दूध जो है वो सूख जाता है। अगर आप पेन किलर का सेवन करते हैं या बुखार की दवाइयों का सेवन करते हैं तो आपके शरीर के अंदर कमजोरी बन जाती है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल सही ढंग से काम नहीं कर पाता और आपको खून की कमी भी हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि डिलीवरी हो गई है लेकिन उसके बाद अगर ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे महिला तो वो बिल्कुल स्वस्थ रह सकती है, उसका मोटापा नहीं पड़ता, उसकी चर्बी नहीं बढ़ती, वो बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि उसको बच्चा हुआ ही नहीं है। तो ये सब चीजें अगर वो करते हैं तो बिल्कुल ही स्वस्थ रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें करने के बाद आपको कुछ फायदा होता है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि मैंने ये प्रयोग किया और इससे मुझे कुछ फायदा हुआ। और अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक है अगर तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।